फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेकर आया हूँ एक इम्पोर्टेंट लेसन जिसे आपको सीखना ही होगा, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर सुनने को मिलते हैं या बोलना पड़ता है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हैव हैड टू या हैड टू क्या है, क्योंकि अक्सर इस बात को लेकर लर्नर कंफ्यूज रहते हैं। सब्जेक्ट हैव हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म या सब्जेक्ट हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हम स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए करते हैं, यानी एक इफेक्टिव ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए हम इन टॉपिक्स का इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि इस टॉपिक से हम किसी मजबूरी की बात करते हैं, लेकिन वो नॉर्मल मजबूरी नहीं बल्कि नॉर्मल से ज्यादा वाला। जैसा कि आप जानते हैं, पार्ट 17 में मैंने आपको सिखाया कि नॉर्मल मजबूरी दिखाने के लिए आप हैव टू या हैज टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे तुमको जाना है, यू हैव टू गो। तुमको खाना है, यू हैव टू ईट। तुमको इंग्लिश सीखना है, यू हैव टू लर्न इंग्लिश। लेकिन अगर सेंटेंसेस ऐसा हो, तुम्हें इंग्लिश सीखना ही है, तुम्हें वहाँ जाना ही है, तुम्हें पैसा कमाना ही है, तो इस तरह के सेंटेंसेस में स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन पाया जाता है, यानी एक ऐसी मजबूरी दिखाई जाती है जिसको टाला नहीं जा सकता। तो इसी केस में हम इस टॉपिक का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, आइए इस बात को एग्जाम्पल में बेहतर तरीके से समझें। अगर आपको कहना हो कि तुम्हें वहाँ जाना है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू हैव टू गो देयर। लेकिन अगर आपको कहना हो कि तुम्हें वहाँ जाना ही है, यानी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, तो यहाँ पर आप कहेंगे यू हैव हैड टू गो देयर, यानी तुम्हें वहाँ जाना ही है। अगर आपको कहना हो कि तुम्हें इंग्लिश सीखना है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू हैव टू लर्न इंग्लिश। लेकिन अगर आपको कहना हो कि तुम्हें इंग्लिश सीखना ही है, यू हैव हैड टू लर्न इंग्लिश, यानी तुम्हें इंग्लिश सीखना ही है। अगर आपको कहना हो कि तुम्हें इंतजार करना है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू हैव टू वेट। लेकिन अगर आपको कहना हो कि तुम्हें इंतजार करना ही है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू हैव हैड टू वेट, यानी तुम्हें इंतजार करना ही है। अगर आपको कहना हो कि तुम्हें यह करना है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू हैव टू डू दिस। लेकिन अगर आपको कहना हो कि तुम्हें यह करना ही है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू हैव हैड टू डू दिस। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये बात समझ में आया कि हैव टू या हैव हैड टू दोनों से ऑब्लिगेशन की बात होती है, यानी मजबूरी की बात होती है। लेकिन हैव टू से हम नॉर्मल ऑब्लिगेशन दिखाते हैं, जबकि हैव हैड टू से स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन की बात की जाती है। और इस तरह के सेंटेंसेस का मीनिंग होता है करना ही है, जाना ही है, पढ़ना ही है, लिखना ही है, देखना ही है। आइए अब देखें कि हैड टू का कैसे इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, अगर इस तरह के सेंटेंसेस पास्ट में हो, तो नॉर्मल ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए आप कहते हैड टू। जैसे उसे जाना था, तो आप कहते ही हैड टू गो। लेकिन अगर आपको कहना हो कि उसे जाना ही था, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही हैड टू गो। उसे ठहरना था, ही हैड टू स्टे। लेकिन अगर आपको कहना हो कि उसे ठहरना ही था, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही हैड टू स्टे। उसे पैसा देना था, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही हैड टू पे मनी या ही हैड टू गिव मनी। लेकिन अगर आपको कहना हो उसे पैसा देना ही था, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही हैड टू पे मनी या ही हैड टू गिव मनी। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि हैड टू मतलब नॉर्मल ऑब्लिगेशन, लेकिन हैड टू का मतलब इफेक्टिव ऑब्लिगेशन, एक ऐसी मजबूरी जिसे टाला ना जा सके। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह कांसेप्ट आपको शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, वाकई अगर आपने इस कांसेप्ट को समझा, तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।